So let's start with question number 4. To check the ability of mathematics and logic of the students of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on these two subjects to 6 children. Kitne? 6 children selected from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. Now, अगर हम देखिए मैथमेटिक्स पजल वाले को एक्स लें और पजल सॉल्व बेस्ड ऑन लॉजिक अगर उसको वाई लेते हैं तो हम लोग इसका टेबल बना सकते हैं. ओके सो पहले एक्स और वाई पहले लिख लेते हैं. एक्स और वाई लिख लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एक्स बार मिल जाएगा, राइट. तो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, राइट. सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या हैगा, 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज 58 अपॉन 6. और फिर उसके बाद अगर देखें तो सिग्मा 61, सिग्मा एक्स वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, दैट इज 61 अपॉन 6, 10.17, राइट. अब देखते हैं एक्स वाई. चलो 12 इंटू 11 देखें 132, 8 इंटू 10, 89 4 36, 10 7 7. आपको देखिए थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स विदाउट कैलकुलेटर भी आता होगा, फिर भी आप ट्राई कीजिए कैलकुलेटर के साथ. 144 64 81 100 169, फिर ये 16 का आएगा 256. ओके अब इसका सारों का टोटल देख लीजिए. एक्स वाई का टोटल 598 और सिग्मा एक्स स्क्वायर का, राइट. नाउ इसका सबका टोटल कर दीजिए, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, राइट. अब हम देखिए कि अगर आपने देखा कि एक्स बार और वाई बार फ्रैक्शन में आते हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फ्रैक्शन में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट. नाउ आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, राइट. नाउ ये अब हमको वैल्यू डालना है. अगर आप देखें तो वैल्यू इसका आर इज इक्वल टू एन सिक्स सिग्मा सिक्स एक्स वाई क्या है 598 माइनस सिग्मा एक्स है 58 और ये है 61. ओके और वैसे ही एन सिग्मा एक्स स्क्वायर 6 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है 574 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 58 का स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाइड बाय, वैसे ही ये वाला करना है 6 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा 711 माइनस फिर उसके बाद आ जाएगा सिग्मा वाई का मतलब 61 का स्क्वायर बराबर. नाउ पुटिंग दी वैल्यू, अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 43600 राइट, और इसका भी आपको स्क्वायर रूट निकाल दीजिए 2395 दैट इज 0.24 इज इक्वल टू 0.24. परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन
took in pulses is 0.24. Right, sir? Okay, I hope you understood. Right? ये fraction वाला है, तो आपको ये formula याद रखना है, n sigma xy minus sigma x sigma y upon n sigma x square minus sigma x whole square square root of n sigma y square minus sigma y whole square. Okay? चलो, now let's do the next. Find the correlation coefficient between capital in crore rupees that is invested and the profit in crore rupees from the following data. कंपनी दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोड़ और प्रॉफिट. राइट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर एक्स ले लेते हैं तो प्रॉफिट क्या है, वाई ले लेंगे. राइट, नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द टेबल, एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसका यूज होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, नाउ वी हैव ड्रॉन एक्स वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. राइट, तो अभी ये एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पहले हम लोग ये ले लेते हैं. 15 9 इस तरह सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर में आएगा 9 का 81 144. अब हम लोग आर का वैल्यू लगा फॉर्मूला लगा देते हैं. आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. वैसे ही एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. अब उसका वैल्यू लगा लेते हैं 1045 और 110.64. अब इसका कैलकुलेशन करते हैं. राइट, तो ये आएगा हमारा 7 into 1045 minus 11. Right, ये आएगा हमारा 7315 minus 7040 बराबर और 275 upon 384.418. And that is R is equal to 0.823. और हम क्या लेंगे 0.82. राइट, क्योंकि 2-3 को छोड़ना है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इज 0.82 बराबर. ये आपका सम. I hope you got it. Okay, now let's do the next one. So students, now it's question number 6. Okay, the following information is available for 5 students selected from a school regarding the average number of study hours per day and the average number of sleeping hours. Right, so number of study hours, number of sleeping hours. Ye do alag alag parameters diye hain. To ek ko hum x lenge aur dusre ko y. Right, now let's make the table. Right, so x bar is equal to sigma x upon sigma y, that is 30 upon kitne number hai 3, 4, 5 8. Ab sigma x y, right, let us see 60 45 49 40 aur ye 30 barabar. X ko और ये आप टोटल यहाँ का दीजिए. अब हमको फॉर्मूला लिखना है. डन, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. ओके, नाउ वैल्यू डाल देते हैं. चलिए, That is, ये जरा टेबल को ऊपर ले लेते हैं. यस, सिग्मा एक्स वाई का आ जाएगा. एन क्या है 5 इंटू 224 सर बराबर माइनस सिग्मा एक्स क्या है 30 इंटू 40 बराबर. ओके, अब ये हो जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर का फाइंड कीजिए. एन तो 5 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 इंटू 208 माइनस सिग्मा एक्स क्या है 30 का होल स्क्वायर. वैसे ही 5 इंटू 330 माइनस 40 का होल स्क्वायर. ओके,
अब इसका वैल्यू डाल देते हैं 83.666 राइट, और इसे अगर हम कर देखते हैं तो मिलता है जीरो माइनस 0.9562 माइनस 0.9562 ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.96 राइट। देयरफॉर इसका आपको आंसर लिख देना है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्टडी आवर्स एंड स्लीपिंग आवर, हेंस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्टडी आवर्स आवर्स एंड स्लीपिंग आवर्स इज माइनस 0.96 ओके राइट। अगर ये अगर आपको इंटरप्रेट करने का बोले तभी आपको इंटरप्रेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स टिल 6 ये जो एक फॉर्मूला है ये यूज हुआ है। 7 के बाद हमारा शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला आता है। शॉर्टकट मेथड का क्यों यूज होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो को बार बार देखिए सो दैट आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपको पसंद आए मेथड तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सो दैट आपके जैसे बहुत बच्चों को ये काम आए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।